फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल मीना रेसिपीज में आप लोगों का स्वागत है। चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिया हूँ भिगोया हुआ चना दाल। मैंने 4 से 5 घंटे पहले चना दाल को भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसे कुकर में 2 सीटी लगाकर उबाल लूंगा और साथ ही में लिया हूँ 1 आलू। इसे 2 भाग में काट कर ले लिया हूँ। मैं इसे दाल के साथ उबाल कर तैयार कर लूंगी। चलिए कुकर में दाल को डाल देती हूँ। इसमें मैं आलू भी डाल देती हूँ और मैं पानी भी डाल देती हूँ इसमें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक, साथ ही में डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। कुकर के ढक्कन लगा देती हूँ और 2 सीटी लगाकर इसे उबाल कर तैयार कर लेती हूँ। तो जब तक हमारा कुकर में सीटी आ रहा है, तब तक हम टमाटर और हरी मिर्च को काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर को बारीक काट लिया हूँ और हरी मिर्च को भी काट लिया हूँ बीच से। कुकर में सीटी आ गया है। अब मैं उसे नमा कर दूसरे चूल्हा पर रख देती हूँ और इधर हम अपने मसाला भूनकर तैयार करती हूँ। तब तक हमारा कुकर भी ठंडा हो जाएगा। इधर मैं अपने कढ़ाई रख दिया हूँ और कढ़ाई के गर्म होते ही मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल और साथ ही में डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। घी से हमारा चना दाल जो बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये तो खासकर निरामिष बना रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं तो घी डालना तो जरूरी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 सूखी मिर्च, साथ में डाल देती हूँ साबुत जीरे, 1 पिंच हींग। इसे चला लेती हूँ। जीरा हमारा थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम बाकी मसाला इसमें डाल। तो जीरा हमारा भून चुका है। अब मैं फ्लेम एकदम लो कर देती हूँ, उसके बाद हम सूखे मसाला इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ में डाल देती हूँ हरी मिर्च। इसे थोड़ा चलाकर इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया हूँ, वो डाल देती हूँ। इसे थोड़ी देर भून लेती हूँ। अदरक का पेस्ट हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर को गलने तक हमें भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारा पूरी तरीके से सीझ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और आलू को स्पैचुला से हम काट देती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके और मसाले के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। तो आलू को भी हमने थोड़ी देर भून लिया हूँ मसाले के साथ। अब मैं इसमें डालती हूँ दाल। दाल को मसाले के साथ मिलाकर हमें 2-3 मिनट भून लेना है। इसे अच्छे से मसाले में मिला देना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक हमें अभी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम जब दाल उबाले थे तब भी हम नमक डाले थे, उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। तब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी हमने जो मसाला यूज़ किया था उसी कटोरी को धोकर हमने पानी डाल दिया हूँ और थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर थोड़ा पतला दाल चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अगर गाढ़ी दाल चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालकर इसे पका सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और साथ ही में डाल देती हूँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से दाल के साथ मिला देती हूँ और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो हमारा 3 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटाकर देखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चना दाल बनकर तैयार है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच घी ऊपर से और चना दाल के साथ मिला देती हूँ। तो हमारी परफेक्ट चना दाल की सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी निरामिष चना दाल की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और आपके घर में अगर पूजा वगैरह हो तो आप इस दाल को उस दिन बनाकर खा सकते हैं। और ये कितना परफेक्ट दाल बनकर तैयार हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी इस दाल को बनाकर खाइए और इसी तरह बनाकर खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच पाए। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।